सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, वो भी सिर्फ वन क्लिक में और फुल एचडी क्वालिटी में। और गाइस, यहाँ पे आप एक बार दो बार नहीं, आप यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम्स तक अपने फोटो को एचडी में सेव कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, कैसे करना है कैसे नहीं वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। और गाइस, ये मेरा सीक्रेट ट्रिक है, मैं खुद इसको अप्लाई भी करता हूँ, ठीक है, जो आप लोग के साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। सो गाइस, बैकग्राउंड चेंज को लेकर आपका हर एक आज डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उससे पहले तो गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लो कि भाई यहाँ पे 46% लोगों तक अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए इतना अच्छा अच्छा कंटेंट मैं लेके आता रहता हूं, ठीक है। सो गाइस, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। सो विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग को आ जाना है सिंपल अपने क्रोम ब्राउजर में। यहाँ पे आप सबसे पहले न्यू टैब को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च के आइकन पे जाके सिंपली सर्च करना है रिमूव बीजी, ठीक है। रिमूव बीजी आप जैसे यहाँ पे सर्च करते हो तो जो पहला वाला आएगा उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। और ये जब क्लिक हो जाए तो नीचे आप जाओगे तो आप एक अपलोड इमेज का आइकन देखेगा, उस पर आपको सिंपली टैप करना है। अब आपको सिंपली वो वाला बैकग्राउंड लेना है जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो। तो जैसे मैं ये वाला फोटो लेता हूँ, इसको यहाँ से करूँगा डन, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे ये अपलोडिंग हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है सिर्फ वन क्लिक में। आप यहाँ पे देख सकते हो 478x5.22 आपको मिलेगा यहाँ पे फ्री में, यानी कि आपका लो क्वालिटी रहेगा फ्री में। और एचडी डाउनलोड करना है तो आपको नया जीमेल यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा। तो गाइस, आप कितना जीमेल बनाओगे, एक बनाओगे, दो बनाओगे, तीन बनाओगे, 10 बनाओगे? और यहाँ आज के डेट में भाई टेम्प मेल भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसका मैं आपको परमानेंट सोल्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको लो ही क्वालिटी में इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप इसको सिंपली डाउनलोड करोगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, उसको सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और ये जब डाउनलोड हो जाए तो हम लोग इसको लेके चलेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। और चलिए मैं बताता हूँ वो सीक्रेट ट्रिक क्या है, ठीक है, तो लेट्स गो। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग को आ जाना है अपने पिक्सआर्ट मोबाइल एप्लीकेशन में, और आने के बाद आपको वो वाला फोटो ले लेना है जो फोटो का जस्ट हम लोगों ने बैकग्राउंड अभी चेंज किया था, ठीक है। आप इसका क्वालिटी भी चेक कर सकते हो कितना खराब है, अभी बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा है। अभी मैं बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं। आपको चले जाना है टूल्स में, और जाने के बाद आपको चले जाना है रिसाइज वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ भी टाइप कर देना, जैसे मैं लिखता 444, यहाँ पे इसको करूँगा डन। जैसे यहाँ पे रिसाइज करूँगा, यहाँ पे इसका ओरिजिनल साइज फोटो का आ जाएगा 2773, ठीक है। तो आपको सिंपल वहीं यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2773, तो यहाँ पे करूँगा डन और फिर करूँगा यहाँ पे रिसाइज। तो ये फोटो सबसे पहले तो ओरिजिनल अपने यहाँ पे साइज में हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पे ड्रॉ टूल में, और ड्रॉ टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि चले जाना आपको लेयर पे, और लेयर पे चले जाने के बाद यहाँ पे आपको अच्छे से समझना, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे दिक्कत नहीं। आपको चले जाना है ऊपर, यहाँ पे फोटो लेयर लेना है, ठीक है। फोटो लेयर लेके आपको यहाँ पे ओरिजिनल फोटो लेना है जिसका हम लोगों ने बैकग्राउंड कट किया था, ठीक है। तो ये हो चुका ओरिजिनल फोटो, तो यहाँ पे इसको करेंगे डन। और ये जब डन हो जाए तो ये जो बीच वाला इंपटी लेयर है ना, इसको आपको सिंपली डिलीट कर देना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा इसे डिलीट। फिर आपको चले जाना है ऊपर वाले लेयर पे, और यहाँ पे नॉर्मल से इसको चेंज करके ये वाला कर देना है, ये वाला, ठीक है। और ये जैसे ये वाला हो जाए आपको सिंपली जाके इसका कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मैंने इसका कर लेता हूँ कॉपी, और जस्ट मैं इसका कॉपी करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो खुद से कि भाई ये HD क्वालिटीज़ में ये फोटो हमारी हो चुकी है, ठीक है। पहले कैसा था और ये देखिए अब कैसा है, एकदम फुल HD क्वालिटी में हो चुका है। अगर आपको अच्छे से समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करके आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आप जाके इसको डन कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर कंपेरिजन। ये देखिए पहले पहले फोटो का क्वालिटी कैसा था, ये देखिए कितना आप अच्छे से HD क्वालिटी में फोटो हो चुकी है। पहले कैसा था ये देखिए, पहले के यहाँ पे फेस से आप चेक कर सकते हो, ये देखिए पहले कैसा था और अब कैसा है, फुल HD क्वालिटी है शार्पनेस के साथ, ठीक है। तो ये ओरिजिनल यहाँ पे साइज में और ओरिजिनल यहाँ पे लुक में आ चुका है फोटो, ठीक है। तो आप इसको कोई भी बैकग्राउंड पे आप सिंपली चेंज कर सकते हो, और ये यही वाला ट्रिक मैं सेम यूज़ भी करता हूँ, ठीक है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सो बाय बाय।